हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन चैप्टर का पार्ट 6 देखेंगे दोस्तों, और आज की इस वीडियो में बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट देखेंगे आज की इस वीडियो में दोस्तों। सो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट हम आज की इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों, और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जैसे IFRS और GAAP, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या होंगे वो आज की इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो चलिए दोस्तों हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसे मैंने कहा, आज की इस वीडियो में सिर्फ हम एक ही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ही छोटा टॉपिक है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पहले हम मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हमारे आगे वीडियोस की हम देखेंगे दोस्तों। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है देखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द फॉर्मल गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, एक फॉर्मल गाइडलाइंस होते हैं यानी प्रिंसिपल्स होते हैं यानी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो एक कंपनी को मदद करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, प्रिपेयर करने में, प्रेजेंटेशन करने में, उसे कहते हैं दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आप ये मीनिंग से क्या समझ रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं दोस्तों गाइडलाइंस होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं जब भी वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ये सारे गाइडलाइन को फॉलो करने होते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और नीचे क्या है, दे इंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपैरेटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करता क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी को मदद करता है कंसिस्टेंसी लाने में। कंसिस्टेंसी यानी एक ही अकाउंटिंग का मेथड यूज करने में सालों साल, उसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी यानी पूरे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पूरा खुले तरीके से अपने स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को बताने में मदद करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और कंपैरेटेबिलिटी, कंपैरिजन करने में मदद करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कंपैरिजन यानी एक कंपनी का प्रॉफिट दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर करने में, या तो फिर लास्ट ईयर कितना कमाया था अब कितना प्रॉफिट है, ये कंपैरिजन करने में मदद करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मीनिंग से क्या समझ गए, ये एक तरह के गाइडलाइन होते हैं, रूल्स होते हैं जो कंपनी को फॉलो करता है, फॉलो करना होता है, और कंपनी को मदद करते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए दोस्तों। ये हो गया दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग दोस्तों। दोस्तों आज का हमारा सेकंड टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने टाइप्स के हैं वो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ आपको 2 टाइप्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखने को मिलेंगे, जो कंट्रीज होते हैं मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्रीज में सिर्फ ये 2 ही तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं दोस्तों। कौन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है चलिए हम वो देखेंगे। फर्स्ट है दोस्तों IFRS। सो IFRS क्या होता है चलिए मीनिंग से ही समझाऊंगा क्योंकि आपके 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। सो IFRS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। सो IFRS का नाम तो बहुत ही बार सुना होगा दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये क्या होता है देखते हैं। दीज आर अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स IASB। सो दोस्तों अकाउंटिंग ये क्या है, IFRS क्या है, एक सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, यानी सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद करते हैं उसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सेट यानी बहुत ही सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको मेंटेन एंड डेवलप करते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये एक तरह का बोर्ड है दोस्तों जो जितने भी नए नए रूल्स रेगुलेशंस आने होते हैं ये IFRS में, वो सारे लाने का काम दोस्तों इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड करता है, जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है जैसे हमारा इंडिया हो गया, यूरोप के कंट्रीज हो गए, जापान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे क्या करते हैं IFRS के रूल्स फॉलो करते हैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाने के लिए दोस्तों। अब जैसे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स या तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कुछ ईजी काम नहीं होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं उन सबको फॉलो करते हुए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना होता है दोस्तों। वैसे ही बहुत ही सारे कंट्रीज USA को छोड़ के IFRS का यूज करते हैं दोस्तों। अब जैसे हमारे इंडिया में कुछ भी काम करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को माइंड में रखते हुए करना होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हट के हम ना काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को हट के काम करोगे तो हमें क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब भी आप रिकॉर्ड करते हो तो मोस्ट ऑफ जो हमारे इंडिया में तो IFRS का सिस्टम यूज करते हुए सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं दोस्तों। IFRS क्या है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो बहुत ही सारे कंट्रीज यूज करती हैं और इसे मेंटेन और डेवलप करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड दोस्तों। आई होप आपको IFRS में क्लियर रीजन मिल गया होगा दोस्तों। सेकेंड है गैप, GAAP। ये क्या है देखते हैं। GAAP स्टैंड फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, गैप का फुल फॉर्म जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। ये क्या होता है देखते हैं। इट इज ए फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो वही दोस्तों ये एक तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वही जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो कौन फॉलो करता है, ये फॉलो करता है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी जो अमेरिका है, अमेरिका ही ये GAAP का यूज करता है अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो फिर अपने अकाउंट्स बनाने के लिए अमेरिका यूज करता है दोस्तों GAAP। सो दोस्तों यहां तक हमने क्या समझा, IFRS क्या करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे होता है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जब भी अपने अकाउंट्स बनाती है तो IFRS का यूज करती है दोस्तों। और वैसे ही USA क्या है, USA का अपना अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो है GAAP के हिसाब से ही वो अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपना अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं दोस्तों। सो आपको क्लियर हो गया IFRS क्या होता है और GAAP क्या होता है। ये सिर्फ तरह के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनीज को फॉलो करने होते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट्स या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। ये हो गया दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का सिंपल सा और शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट देखा दोस्तों। आई होप आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कल की वीडियो में हमें देखना है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी इंडिया में कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है और लिस्ट कितनी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, वो सारा डिटेल हम कल की वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसे आप जानते ही हो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट कल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे क्लासेस मिल जाएगी। और इस चैप्टर के जो पहले वीडियोस बनाया हूं मैं, उसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।